सो हेलो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी का A7 लाइट टैब। सो गाइज, यहाँ पे जो ये टैब है ये 12th के स्टूडेंट्स को सरकार दे रही है स्टडी के लिए। सो गाइज, काफ़ी सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो इसको रीसेट करके फॉरगेट करके इसको मतलब पूरा फैक्ट्री रीसेट करके यूज़ करना चाहते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में आपको यही बताऊँगा कि इसे फैक्ट्री रीसेट करके कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, वीडियो को पूरा एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हो, ये है वो टैब। तो गाइज, इसे फैक्ट्री रीसेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो मैं आपको इस टैब को दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पे 3 ऐप्स होंगे जो कि आप इन्हें ही यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जो आपको पावर का बटन देखने को यहाँ पे मिलता है, तो आपको पावर का बटन और जो है पावर का डाउन, इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है। देन इसके बाद आपका फ़ोन है जो मतलब जो है टैब है वो अपने आप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, पावर अप के बटन को और पावर के बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको वेट करना है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ इसे कैसे करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सैमसंग का लोगो है आ चुका है, तो आपको यहाँ पे जो पावर और पावर अप का बटन है इसको एक साथ प्रेस करके रखना है। तो जब तक यहाँ पे बूट का ऑप्शन नहीं आता तो आपको प्रेस करके रखना है। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो ये बूट हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन है वो यहाँ पे आ नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे अपना जो वाइप कैच है इसको पार्टीशन को क्लियर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं नीचे चला जाता हूँ और यहाँ पे वाइप कैच का जो पार्टीशन का जो फाइल दिख रहा है आपको यहाँ पे सिंपली आ जाना और इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं इसे क्लियर करने के बाद देखता हूँ कि यहाँ पे जो फैक्ट्री रीसेट का मोड है वो यहाँ पे आता है कि नहीं। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आया फैक्ट्री रीसेट का। तो आप इसे फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हो तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देख लो क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ इसे कैसे करना है। तो गाइस, यहाँ पे सरकार ने इसे इतना ज़्यादा सिक्योर कर दिया कि आप इसे फैक्ट्री रीसेट भी नहीं कर सकते हो। सो गाइस, इसे करने के लिए आपको एक ज़रूरत होगी एक पीसी की, जिसकी मदद से आप अपने टैब को है जो इजीली रीसेट कर सकते हो। सो गाइस, यहाँ पे मैं जो है जो ट्रिक को अपना रहा हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो इसमें जो सेटिंग्स दी है यहाँ पे मैं इसे करके देख लेता हूँ। गाइस, अगर यहाँ से होता है तो गाइस आपको बताऊँगा मैं इस वीडियो में, वैसे तो यहाँ से होगा नहीं क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले भी चेक करा था तो यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं आ रहा है। सो गाइस, इसे करने के लिए आपको रीसेट करने के लिए आपको चाहिए होगी एक पीसी की। सो गाइस, बिना पीसी के आप जो अपने टैब को है जो रीसेट नहीं कर सकते हो। सो गाइस, जल्दी मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देता हूँ जहाँ पर आपको इसको बताऊँगा कि इसे पीसी की मदद से आप इसे कैसे रीसेट कर सकते हो। और हाँ गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि जो मैं अगली वीडियो में बना सकूँ इसके ऊपर, सो गाइज वो वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और अपना जो है आपका टैब है उसे आप रीसेट करके यूज़ कर सको। सो गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना मत भूलना। तो गाइज, जल्दी ही मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। देन उसके ऊपर भी मैं आपको एक ऐसा तरीका और भी बताऊंगा जहाँ पे आप विदाउट पीसी के भी इसको अनलॉक कर सकते हो, क्योंकि गाइज उसको उस प्रोसेस को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में वो प्रोसेस आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं आपको उसमें बता दूंगा इसे कैसे करना है। देन गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।